नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में प्रदेश कैबिनेट की बैठक। इसमें मेगा परियोजनाएं स्थापित करने पर केस टू केस प्रोत्साहन देने की व्यवस्था बदलकर प्रोत्साहन व सुविधाओं का नियमावली से ही स्पष्ट निर्धारण करने की तैयारी है। इसके अलावा चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ राज्य संपत्ति विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली इंपावर्ड कमेटी की संतुष्टि पर कैबिनेट की सहमति से अतिरिक्त लाभ दिए जा सकते हैं, लेकिन नियमावली में अतिरिक्त लाभ परिभाषित न होने से इंपावर्ड कमेटी कोई कार्रवाई ही नहीं कर रही थी। इससे बड़े निवेशकों को अतिरिक्त लाभ नहीं मिल पा रहा था। कैबिनेट मेगा, मेगा प्लस व सुपर मेगा इकाइयों की स्थापना पर दिए जाने वाले अतिरिक्त लाभ का निर्धारण करने संबंधी अवस्थापना एवं औद्योगिकी विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। वहीं सरकार उप खनिजों, बालू, मोरंग व गिट्टी आदि के अवैध परिवहन को नियंत्रित करने के लिए तकनीक का सहारा लेगी। वहीं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में पिछले 12 दिनों में पठन पाठन पूरी तरह से ठप है और छात्र धरने पर बैठे हैं। छात्र संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति का विरोध कर रहे यूनिवर्सिटी प्रशासन और विरोध कर रहे हैं। छात्रों के बीच कई दौर की बातचीत असफल हो चुकी है, ऐसे में यह मामला लंबा खिंचता दिख रहा है। दरअसल 5 नवंबर को कुलपति की अध्यक्षता में हुई चयन समिति की बैठक में संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के साहित्य विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर डॉक्टर फिरोज खान की नियुक्ति पर मुहर लगी थी। इसकी जानकारी होते ही 7 नवंबर से ही संकाय के गेट पर ताला लगा हुआ है। छात्र नियुक्ति के विरोध में कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे हुए। दरअसल ये छात्र संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति का विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि इस समुदाय के प्रोफेसर की नियुक्ति इस विभाग गलत है और विभाग के शिलापट पर भी इसका उल्लेख किया गया है कि हिंदू समुदाय के अलावा किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति की नियुक्ति इस विभाग में नहीं हो सकती। वहीं यूपी के बुलंदशहर में कुछ लोगों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर जहांगीराबाद कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर कोतवाली में दर्ज रेप के मुकदमे से आरोपी का नाम निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले लोगों की तरफ से कुछ वीडियो भी एसएसपी संतोष कुमार सिंह को दिखाए गए हैं, जिनमें आरोपी दरोगा पैसा लेते दिखाई पड़ रहा है। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। वही दरोगा के खिलाफ जहांगीराबाद कोतवाली में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। दरअसल बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की ओर से दावा किया गया कि उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जहांगीराबाद कोतवाली में रेप का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना आरोपी दरोगा कर रहा है। आरोप है कि मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर आरोपी दरोगा ब्रजेंद्र सिंह ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपियों की ओर से दरोगा को अलग अलग समय कुछ पैसा भी दिया गया है, जबकि उसके साथ ही पैसा देने के दौरान दरोगा का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी ने कहा कि जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे, रामलला को भले ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल गया हो, लेकिन अयोध्या के एक मंदिर की संपत्ति के लिए अभी भी 10 राम मुकदमा लड़ रहे हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने इस संबंध में ट्वीट किया है, जो अब वायरल हो रहा है। जिलाधिकारी ने इस ट्वीट के साथ लिखा है कि वास्तव में अयोध्या राम की ही नगरी है। जिलाधिकारी के इस ट्वीट को बहुत पसंद भी किया जा रहा है। दरअसल अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने एक मंदिर की संपत्ति विवाद को लेकर के एक ट्वीट किया है और लिखा है, राजस्व के मामले में अभी भी 10 राम मुकदमे लड़ रहे हैं। इस मुकदमे में 12 वादी हैं, जिसमें 10 के नाम में राम जुड़ा हुआ है। अयोध्या के जिलाधिकारी अनुज झा ने ट्वीट कर कहा कि वाकई में अयोध्या राम की नगरी है, जहाँ पर लोगों के नाम के साथ राम जुड़ा होता है।
यह मामला खासकर दिलचस्प तब हो गया जब जिलाधिकारी अनुज झा ने राजस्व की फाइल के साथ मामले को ट्वीट कर दिया। अनुज झा ने ट्वीट कर बताया कि उनके कोर्ट में ऐसा केस आया जिसमें अयोध्या के राम जानकी विराजमान रजवंश पंचायती मंदिर रायगंज के संपत्ति के मामले में उनकी कोर्ट में केस चल रहा है। इसमें 12 वादी हैं जिसमें 10 के नाम में राम जुड़ा होता है। इसी के साथ अगली खबर है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने गंगा में प्रदूषण पर सख्त रुख अपना लिया है। एनजीटी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए यूपी सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी क्रम में कानपुर देहात के रनिया और नगर के राखी मंडी इलाके में गंगा में जहरीले क्रोमियम युक्त कचरा सीवेज में गिरने से रोकने में नाकाम रहने पर उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही प्रदूषण फैलाने वाली 122 टेनरियों पर 280 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यूपीपीसीबी को पहले के आदेश का पालन न करने और अनट्रीटेड सीवेज की अनदेखी का दोषी ठहराते हुए 1-1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की पीठ ने कहा कि राज्य सरकार गंगा में जहरीले पदार्थ गिरने से रोकने में नाकाम रही है। इसके चलते 1976 से अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। इसके कारण यहां का भूजल दूषित हुआ और आसपास के निवासियों की सेहत के साथ ही पर्यावरण को भी नुकसान हुआ है। एनजीटी ने कहा कि यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दोषी टेनरियों से जुर्माने की राशि वसूलनी चाहिए। जब तक इस रकम की वसूली नहीं होती तब तक सरकार खुद यह रकम ESCROW के खाते में हस्तांतरित करे। इसका इस्तेमाल इलाके में पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार में किया जाएगा। राज्य सरकार की भी जिम्मेदारी है कि वह दोषी टेनरियां या दोषी अधिकारियों से जुर्माना वसूले। तो ये थी इस वक्त की कुछ खास खबरें। आगे की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।